हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। बाहर की बातें न करते हुए अपने जीवन के अनुभव से आपको विशेष प्रेरणा मिले, इसी मूल भावना के साथ मैं अपने जीवन के अनुभव को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मैं पिछले 15-16 वर्षों से इस विद्या से जुड़ा। यज्ञ का विज्ञान जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ महानुभाव पुराने भी हो सकते हैं जो वर्षों से यज्ञ को जानते करते आ रहे हैं। जिस प्रकार से आपने यज्ञ का महत्व और लाभ आज सुना समझा, वैसा मैंने भी 10-15 वर्ष पहले सुना समझा, निरंतर सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो यज्ञ के प्रति मेरी जो श्रद्धा थी वो निरंतर बढ़ती गई। हमारी माता जी जो अभी 66 वर्ष की आयु में इस सृष्टि में है, उनको 2009 से लेकर 2016 तक 4 बार हार्ट फेल्योर हो चुका है। आप यहाँ जितने भी महानुभाव बैठे हैं, आपसे मेरा एक छोटा सा नम्र प्रश्न है कि क्या आपने 3 हार्ट अटैक के बाद या 2 हार्ट अटैक के बाद किसी को जीवित देखा है? नहीं मिलता ना ऐसा। लगभग अधिकांश लोग तो पहले हार्ट अटैक में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वो बहुत ही हृदयघात की जो बीमारी है, समस्या है, बहुत ही जानलेवा होती है। माता जी को 2009 से 2016 तक 4 बार हार्ट अटैक आ गया। वो बहुत ही गंभीर रूप से रुग्ण हो गए, रोगी हो गए। हमने उन्हें मुंबई बुला लिया। पहले वो यहाँ कच्छ में ही रहते थे, मैं मूल कच्छ निवासी हूँ। हमारे साथ रहते हुए भी, दिनचर्या को ठीक रखते हुए भी, उन्हें 4थी बार जब हार्ट अटैक आया और उनको अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्ती किया गया, 12 से 13 दिन तक उनकी गंभीर चिकित्सा चली, ICU में एडमिट थे। उसके बाद उनकी जो मेडिकल स्टेटस थी, मेरे पास ये 4 बार के हार्ट फेल्योर की डिस्चार्ज एवं ट्रीटमेंट समरी है, सारे रिपोर्ट्स हैं 2009 से अभी तक के, और ये केस रजिस्टर्ड भी हुआ है PRI में यज्ञ चिकित्सा के रूप में। तब उनकी BP का स्टेटस था 50/60, जो सामान्य रूप से 80/120 होना चाहिए, वो 50/60 हो चुका था। BP में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। मुंबई जैसे महानगर में अच्छे बड़े अस्पताल में चिकित्सा चल रही थी, फिर भी कोई परिणाम नहीं मिलने के बाद डॉक्टरों ने निराश हताश होकर के हमें बता दिया कि माता जी का अब बचना संभव नहीं है। और 2D इको रिपोर्ट जब करते हैं ना हम हार्ट की, तो उसमें एक फंक्शनिंग आती है LVEF, वो फंक्शनिंग, पंपिंग फंक्शनिंग होती है हार्ट की, वो भी सामान्य रूप से हमारी 55 या 60% होनी चाहिए, वो माता जी की केवल 15% पे थी। LVEF फंक्शनिंग 15% और BP 50/60। इतनी गंभीर रुग्ण स्थिति में बड़े अस्पताल के बड़े कार्डियोलॉजी के जो हेड थे, उनको कंसल्ट करने के बाद उनका ये जजमेंट था कि अब इन्हें बचाना हमारे लिए एलोपैथी साइंस में संभव नहीं है, आप इन्हें घर ले जाइए और ईश्वर से प्रार्थना करें। ऐसी विशेष परिस्थितियों में अब हमारे पास, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था चिकित्सा का आगे, हम उन्हें घर ले आए। यज्ञ निरंतर करते थे, वो औषधियाँ भी आयुर्वेद की और एलोपैथी की दोनों लेते थे, लेकिन फिर भी ये स्थिति आ चुकी थी। हमने एक विशेष प्रयोग करना चाहा यज्ञ चिकित्सा के संबंध में। उस समय थोड़ी बहुत जानकारियाँ हमारे सामने आ चुकी थी, तो उस समय जो वो हृदयामृत वटी, पतंजलि की एक हृदयामृत वटी औषधि है हृदय रोगों के लिए, वो और अर्जुन क्वाथ, ये दोनों औषधियाँ वो सेवन भी कर रहे थे। उसी औषधियों को पाउडर बना करके हमने हवन सामग्री में अधिक मात्रा में मिला करके उसको हवन सामग्री के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ किया। माता जी उस समय 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे,
उनको ऑक्सीजन मशीन के साथ ही डिस्चार्ज किया गया था। जिस कमरे में वो सोते थे रहते थे उसी कमरे में सुबह और शाम, और एक हमारे मन में भावना होती है कि पता नहीं कब इनका साथ बिछड़ जाए, अंतिम समय है, चलो हम वेद की ऋचाओं का गान इनके सामने करें, पूजा अर्चन करें, यज्ञ करें, जिनसे इस आत्मा को कुछ विशेष शांति का अनुभव हो आदि आदि। तो इन मिलीजुली प्रयास और पुरुषार्थ का कुछ असर दिखाई देने लगा। जो रोगी माता पूरे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, उनको 7-8 दिन के बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना भी सांस लेने में अनुकूलन बनने लगा। यज्ञ के पश्चात हम ऐसा करते थे कि कुछ 5-10 मिनट के बाद, 5-10 मिनट के लिए हम मास्क हटा लेते थे उनका, तो वो सामान्य रूप से सांसें लेती थी, लेकिन 5-10 मिनट में ही उनके सांस फूलने लगती थी, तो हमें पुनः उनको मास्क लगाना पड़ता था, ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ता था। ऐसी गंभीर स्थिति में धीरे 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 10-15 दिन के बाद उनका ऑक्सीजन सपोर्ट थोड़ा कम होने लगा, इम्प्रूवमेंट आया, और 1-2 घंटे वो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहने लगे। ऐसे निरंतर प्रयास करने पर 3 महीने के बाद उनका टोटली ऑक्सीजन सपोर्ट निकल गया, बिना ऑक्सीजन के सामान्य सांस लेते हुए वो अपना जीवन जीने लगे, और हम वो 15 दिन की चेतावनी भूल गए थे जो डॉक्टर ने दी थी हमें कि ये अब 15 दिन की मेहमान है। आज इस घटना को 6 वर्ष हो चुके हैं, 2016 जनवरी की बात मैं बता रहा हूं आपको। 6 वर्षों के बाद माता जी स्वस्थ हैं, जो LVEF फंक्शनिंग कभी भी एलोपैथी मेडिसिन से इंप्रूव नहीं होता, कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं है उसके लिए, उसको बढ़ाने के लिए, वो केवल मेंटेन करने के लिए है कि 15 हो गया है तो अब 14 न हो जाए। 15 से नीचे जाएगा जब आपका LVEF फंक्शनिंग तो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो अभी 35 और 40 के बीच में चल रहा है वर्तमान में। टूडी को हर 6 महीने में हम कराते हैं, और बीपी नॉर्मल है, बीपी की कोई दवाई नहीं खाते वो, 70/120 उनका बीपी नॉर्मल चल रहा है, सारा अपना काम स्वयं कर रहे हैं, पूरी रूप से स्वस्थ हैं, स्वावलंबी जीवन को जी रहे हैं। 6 वर्षों में एक बार भी उन्हें कोई सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, 6 वर्षों में कोई दवा खाने हॉस्पिटल में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छे स्वस्थ जीवन को जी रहे हैं। दूसरा उदाहरण भी मेरे परिवार का ही है, मेरी कुछ बहन का जो बेंगलोर में रहती है, उन्हें अचानक से एक बार कुछ गले में समस्या हुई, भोजन ग्रहण करते समय ही उनके गले में कुछ अटक सा गया, खांसी सी हुई, और उन्होंने वो जो गले में निवाला था उसको निकाल करके मुंह धोया, फ्रेश किया, पानी पीने गई तो पानी मुंह से बाहर गिर गया, गले में कोई कंजक्शन सा आ गया, न पानी निकल सके, न खाना निकल सके और न बोल सके। उन्होंने किसी को आवाज देकर बुलाना चाहा तो बोलना भी सडनली बंद हो गया। इस स्थिति में अचानक जब इमरजेंसी आ जाती है तो हम अटैक या पैरालिसिस की कोई समस्या है ऐसा समझ करके उनको अस्पताल ले गए। अलग अलग 3 से 4 अस्पतालों में 1 महीने 10-12 दिन तक उनका इलाज चला। बेंगलोर जैसे महानगर की ये घटना है, कोई सुधार नहीं, और 1 महीने 10 दिन में 60-70 ग्लूकोज उन्हें दे दिए गए, कोई सुधार नहीं। MRI, सिटी स्कैन आदि सभी बड़े बड़े चेकअप हो चुके, कोई फाइंडिंग क्लिनिकल पता नहीं चली कि इनको क्या समस्या है। ऐसी स्थिति में हम सबका धैर्य टूटा, हमने मुंबई बुलाया। मुंबई बुलाने के बाद भी 4 से 5 बड़े अस्पतालों में हमने उनका चेकअप कराया। कोकिलाबेन अंबानी एक बहुत बड़ी अस्पताल है, आप सब जानते भी होंगे मुंबई में, वहाँ एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर KC शाह, जिनकी उस समय की कंसल्टिंग चार्ज 5,000 रुपये थी, ये 2019 की घटना बता रहा हूँ मैं। उनसे बात की, उनको दिखाया, उन्होंने कुछ ब्लड के रिपोर्ट्स फिर से करने के लिए कहा, और एक EMG रिपोर्ट होती है, EMG जो हमारे शरीर की नर्वस सिस्टम को चेकअप करने के लिए की जाती है, वो भी कराई गई जो नॉर्मल आई। इन सभी रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में पुनः हमें वो माता जी का उदाहरण और घटना हमारे दिमाग में चली कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, चलो हम यज्ञ के द्वारा ही कुछ विशेष प्रयास करें। हमने मेधा क्वाथ इत्यादि, ब्राह्मी इत्यादि औषधियों को जुटाया, हवन सामग्री में अधिक मात्रा में मिक्स करके अपने ही घर पे बहन को रुका दिया मुंबई,
और जीजाजी अपने काम से वहां से निकल गए बैंगलोर। निरंतर दोनों समय यज्ञ के बाद बहन को ओमकार बोलने के लिए हमने आग्रह किया कि आप एक घंटे डेढ़ घंटे तक ओम का उच्चारण करते रहें। उनसे ठीक से ओम भी नहीं बोला जाता था, ऐसी स्थिति थी, वो ओम भी नहीं बोल सकती थी, उतना कंजक्शन था उनके बोलने के लिए भी। ऐसी स्थिति में 3 दिन निरंतर उसने लगभग रोज 4-4, 5-5 घंटे यज्ञ के बाद उसी कमरे में बैठकर ओम का उच्चारण किया। जब थक जाती, थोड़ा विश्राम कर लेती, फिर प्रारंभ कर देती। 3 दिन लगभग 9-10 घंटे ओम का उच्चारण करने के बाद यज्ञ जहां हुआ उसी कमरे में बैठ करके 4th दिन सुबह ही उनकी आवाज खुल गई। मूल बात जो मैं अभी बताना चाहता हूं उनकी बीमारी के संबंध में, उनको ये समस्या उस दिन से, उन्होंने यज्ञ चिकित्सा प्रारंभ की, अपने घर में दोनों समय यज्ञ करने लगी, बैंगलोर चली गई, सारा कुछ रिकवर हो चुका, नॉर्मल हो गई। फिर भी 1 साल के अंदर ऐसा और 2-3 बार उनको अटैक आया, फिर से वही समस्या हुई। 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए उनका खाना पीना और बोलना बंद हुआ। तो उन्होंने फिर से इमेंस करके एक संस्था है जो भारत सरकार की सर्वोच्च न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, वहां पे फिर से एक बार EMG कराया। उस रिपोर्ट में आया कि उनको MND का अटैक आ चुका है, मोटर न्यूरॉन डिजीज। ये MND बहुत खतरनाक बीमारी है, असाध्य कोटि की बीमारी है, जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है, सुपर साइंटिस्ट थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी, वो स्टीफन हॉकिंस को यही बीमारी थी MND। वो व्हीलचेयर पे ऐसे लूले अपाहिज व्यक्ति की तरह रहते थे, मीडिया में आपने देखा होगा। वो भी 2018 में अपने आप को नहीं बचा सके इस बीमारी से। इतने बड़े सुपर साइंटिस्ट जो पश्चिम देशों में थे, वो भी इस बीमारी के सामने नहीं टिक पाए, अपना चिकित्सा या इलाज नहीं कर पाए। उस बीमारी में केवल मात्र सरलतम ये यज्ञ चिकित्सा से हमने अपनी बहन को बचा लिया है। आज वो पूरी तरह से सामान्य है। पिछले दो वर्षों में उन्हें कोई अटैक नहीं आया, कोई समस्या नहीं है, संपूर्ण जीवन वो स्वस्थ होकर जी रही है, बेंगलोर में है। इसके अतिरिक्त एपिलेप्सी के, किडनी के, कैंसर के बहुत सारे, हाँ जी, स्वामी जी का आदेश हुआ। और एक दिव्या खेरे करके पेशेंट है मुंबई में, हमारी वहां पे मुंबई में जो योग क्लास चलती है, जिस प्रकार से यहाँ आप भाई बहन सब योग की कक्षाएं चलाते होंगे, उसी प्रकार से हम मुंबई में यज्ञ को योग के साथ जोड़ करके कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं लोगों को यज्ञ और योग के साथ जोड़ने का। जहां भी योग कक्षाएं चलती है वहां पहले यज्ञ किया जाता है, काफी सारी कक्षाओं में ऐसा होता है, और उसके बाद ही वहां बैठ के साधक सभी प्राणायाम आदि अभ्यास करते हैं 1-1.5 घंटा। ऐसी एक कक्षा में एक दिन एक माँ आई बहुत विवश स्थिति में, और उन्होंने आकर के बताया कि मेरी बेटी जो पिछले 5 महीने से कोमा में है, जिनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने वाली 21 वर्ष की युवा बेटी थी, ब्रेन ट्यूमर होने के कारण से उसकी सर्जरी की गई, सर्जरी के बाद वो कोमा में चली गई। 5 महीने अस्पताल में भर्ती रहते हुए उसका इलाज चला, वो कोमा से बाहर नहीं आई। ऐसी गंभीर स्थिति में जब माता पिता का पूरा सामर्थ्य ही खत्म हो गया चिकित्सा करने का, 5 महीने तक, सोचिए आप मुंबई जैसे शहर में अगर अस्पताल में आप इलाज कराएंगे तो कितना खर्च हो जाता है, सब कुछ लूट चुका, अब आगे चिकित्सा के लिए उनके पास कोई साधन या सामर्थ्य ही नहीं था, तो उन्होंने विवश होकर के अपनी बेटी को घर लाया। उनके शरीर में बहुत सारी पाइप लगी हुई थी मल मूत्र इत्यादि का त्याग करने के लिए, भोजन पानी इत्यादि देने के लिए, और वो डेड बॉडी की तरह बेड पर लिटी हुई थी। 5 महीने में उसके शरीर का कोई भी अंग हिला डुला नहीं था। इस स्थिति में वो माता को कहीं से ये चिकित्सा का पता चला, कुछ लोगों को बड़ी बड़ी कैंसर की, एक पेशेंट वहां पे ठीक हुई थी ब्रेन ट्यूमर की, उनके माध्यम से उस माता को ये अभिप्राय मिला, और वो माता कक्षा में आई और उन्होंने अपने बेटी को यज्ञ चिकित्सा करने के लिए समर्पित किया। उनके पास सामर्थ्य नहीं था, मैं बहुत गौरव अनुभव करता हूँ उस महानुभव का नाम लेते हुए, आदरणीय नरसिंह भाई पटेल जी, अपने आशा TV पे भी उनको काफी बार देखा भी होगा स्वामी जी के साथ भी। उन्होंने उस बेटी की चिकित्सा का सारा खर्च अपने ऊपर लिया, यज्ञ के लिए जो भी साधन और औषधियों का आवश्यकता थी, और वो स्वयं बहुत बड़े बिल्डर होते हुए भी वो स्वयं छोटी सी चौल में उस बेटी को चिकित्सा देने के लिए निरंतर सुबह शाम उसके घर पे जाते थे। दोनों समय डेड बॉडी की तरह वो पथारी पे बेड पे सोई हुई है, उसके पास में ही यज्ञ किया जाता था दोनों समय। 3 महीने तक
कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। 3 महीने के बाद उस बेटी ने पैर के अंगूठे को हिलाया। आज इस घटना को 2.5 से 3 वर्ष हो चुके हैं, अब वो बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और औरों को ट्रीटमेंट दे रही है। उसने 20 से 25 और रोगियों को ठीक कर दिया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वाली युवा बेटी जो कोमा में थी, और आश्चर्य की बात तो ये है कि जब वो कोमा से बाहर आती है, वो तीसरे ही दिन यज्ञ के मंत्र बोलने लग जाती है जो उसने कोमा की स्थिति में सुने थे। उसको इससे पहले कभी भी यज्ञ के मंत्र से कोई संबंध नहीं था। जब वो होश में आई तो उसने यज्ञ के मंत्र बोलने शुरू कर दिए, उनको याद हो गए। तो ये बहुत बड़ा एक चमत्कार यज्ञ चिकित्सा का हमें देखने को मिला। इन ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, सैकड़ों रोगियों को अभी तक यज्ञ चिकित्सा के द्वारा स्वस्थ जीवन का दान दिया जा चुका है। मैं सारे अनुभव यहाँ बता नहीं सकता, समय की सीमा है, लेकिन इतना बड़े आत्मविश्वास से, विनम्रता से कहता हूं, आप में से किसी को भी कोई भी बीमारी है, मैंने कोई भी शब्द को बहुत ही विवेक से प्रयोग किया है, कोई भी बीमारी है, आप उसके लिए आवश्यक शुद्ध कृत और औषधियों का चयन करके यज्ञ चिकित्सा स्वयं अपने घर में करें, विधि पूर्वक किसी अनुभवी व्यक्ति से यज्ञ सीख लें, आप स्वयं करें अपनी ट्रीटमेंट। किसी भी बीमारी में 1 से 3 महीने में आपको रिपोर्ट बेस्ड इंप्रूवमेंट दिखेगा, ये हमारा चैलेंज है। 1 से 3 महीने में हमने किडनी पेशेंट के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका 15-16 क्रिएटिनिन हो गया था, उनको 3 महीने में क्रिएटिनिन 15 से 3-4 ला दिया है, डायलिसिस तक बंद हुआ है लोगों का। ऐसे मिरेकल हैं, हो सकता है, आवश्यकता है श्रद्धा पूर्वक, नियमितता से, विधि पूर्वक करने की। तो उसके लिए कुछ स्वामी जी आपका मार्गदर्शन कर ही रहे हैं। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम। हमने यज्ञ चिकित्सा के विषय में कुछ विशेष अनुभव सुने, जाने। देखिए, जैसे मैंने कहा था, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कौन सा होता है? वायु रूप आहार होता है, और उसके अंदर हवन करते हैं तो क्या हो जाता है, वो मेडिसिनल कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, नैनो पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं। तो उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स, नैनो पार्टिकल्स और गैस आदि हो जाते हैं, और जो घी का मैंने बताया ना, कई गुना बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर मेडिसिनल कंपोनेंट्स भी होते हैं, और वो वायु के अंदर जब हम रहते हैं और पहला ही मंत्रोच्चारण पूर्वक जब अनुष्ठान की भांति हम हवन करते हैं, तो वो जो पूरा घर का वायुमंडल है, कमरे का वायुमंडल, एनर्जी ऊर्जा शक्ति से युक्त हो जाता है, और उस वायुमंडल के अंदर बैठ करके जब हम प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं और उसमें रहते मात्र, तब भी हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं के पोषण से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत, जिसको कहते हैं अष्टाचक्र, नवद्वारा, देव नाम, तोरियोध्या, जो 8 चक्र है, उसके अंदर शक्ति का आधान होता है। मानी हमारा जो मूल तंत्र होता है वो ही सशक्त और मजबूत बन जाता है, तो कोई रोग होता ही नहीं है, और हो भी गया है तो बहुत शीघ्रता से ठीक हो जाता है। तो इसलिए हम विशेष रूप से इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को यदि हम करते हैं तो उसके ऐसे कई सारे लाभ होते हैं। यज्ञ करने से पुण्य मिलता है, यज्ञ करने से मनोकामना की पूर्ति होती है, यज्ञ करने से हम देव ऋण से उऋण होते हैं, यज्ञ करने से हम रेडिएशन से बच जाते हैं, यज्ञ करने से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बच जाते हैं, यज्ञ करने से हम वायु प्रदूषण से बच जाते हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम् यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शान्त्यर्थं तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं।
नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। जिनका के बहुत तरीके खोजे गए हैं, उसमें से बेस्ट तरीका है यज्ञ की भस्म डाल दो और पानी अल्कलाइन हो जाता है। ये बहुत बड़ा रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूं आपको, ये सारा शोध करके उसके ऊपर पूरा टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको बात कर रहा हूं। तो जिनको भी बहुत तरह के उपद्रव रहते हैं शरीर में, पानी पीते ही पानी पीने से भी उल्टी आती है लोग, पानी पीने से भी डायरिया हो जाता है, पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, बताओ ये कोई बात है? बड़े स्वामी जी, पानी भी हमको तो घी की तरह लगता है, तो तुम्हारा पानी का घी निकाल देते हैं। ये यज्ञ की राख डाल दो, उसके बाद पानी को नितार करके और पिला देते हैं। जितने भी ये आप आरओ वाटर पीते हैं ना, इससे गैस बनती है। मैंने लगातार 20 साल ये पानी पिया, सारे देश में घूमता रहा, तो भाई कहीं पानी से दिक्कत ना हो जाए, ये तो चलो गनीमत रही कि पूरा हिंदुस्तान घूमते समय एक बार भी मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा हूँ, एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, एक बार भी पेट में इन्फेक्शन नहीं हुआ, एक बार भी उल्टी दस्त नहीं लगा। लेकिन एक काम गड़बड़ हुआ, वो पानी पीते पीते गैस बनने लगी, बताओ मेरे जैसे योगी को क्यों? उसमें सारे मिनरल्स तो निकाल देते हैं, पानी पीते हो ना बोतल वाला, ये अच्छा नहीं होता।
अब क्या करें, सारी दुनिया ही मामूली हो रखी। चलो तो किसका पानी पीना? यज्ञ की भस्म का। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।